वाह वाह वाह, क्या सीन जगह है। लेकिन यहाँ पर हो ऐसा स्वर्गीय पुत्र है। वाह हाँ, इतना सुंदर स्वर्गीय पत्थर और इनका जगह। ये जगह थी मैंने गोटे आइटम बनता है, कहाँ आइटम बनाएंगे। बस स्वर्गीय पत्थर थी पूरा चिकन के टिके पूरा पूरे करी। वाह इतना स्वाद टिके लगेगा ना भाई, बनाएंगे तो। चलो पत्थर की तुली लेता हूँ पहले, तू समझा। हाँ स्वर्गीय पत्थर पूरा चिकन खाऊंगा आज का मुंह। हुआ तो गाइस इटा देख सकते हो, मुई स्वर्गीय पत्थर तुल कर आ चुका हूँ। तो आज खाना बनाऊंगा तुम लोगों को तो पता चल चुका होगा। नहीं तो चलो शुरू करते हैं, बनाते हैं पत्थर चिकन पूरा और टेस्ट करते हैं कितना स्वाद पूरा जबरदस्त लगता है जे। तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस चिकन को पुराने के लिए पूरा ढीरा ढीरा ओंगरा दरकार पड़ेगा, जिनका के आग बोलते हैं। उसको इधर बना रहे हैं काट कोटा को जाल कर। तो गाइस आग जेते बेल तक तो रेडी हो रहा है, हेते बेल तक अच्छन का ये चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए प्याज भी चाहिए, तो प्याज को अभी काटते हैं। और ये प्याज को चिकन के ऊपर डाल देते हैं और अच्छा इनता प्रकार लहसुन को इनता थोड़ा थोड़ा जाकी जाकी कर मस्त जोक मारा रे इसमें डाल देंगे। और लहसुन के भी चिकन के ऊपर दे देते हैं। और एंता स्टाइल से कटा हुआ टमाटर के भी चिकन में डाल देते हैं। और अभी एक टुकड़ा नींबू को इसके ऊपर निचोड़ देते हैं। तो इस तरीके से दुई दुई खड़ करके मिर्चा को इसमें डाल देते हैं। और अभी इसमें ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। अब अच्छे इसको पूरा अच्छे से मिसा लेते हैं। और अभी इसमें जितना माल मसाला नून नमक चाहिए सब डालते हैं, ये स्वाद अनुसार नून और ये एक चम्मच जीरा पाउडर और ये एक चम्मच धनिया पाउडर और ये थोड़ा सा गुलकी पाउडर और ये थोड़ा सा तीखी लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर और ये सरसों का ऑयल थोड़ा डाल देते हैं। और अभी ये थोड़ा सा तेजपत्ता को ऐसे चीर फाड़ कर डाल देते हैं और इसको अभी प्यार से मिला लेते हैं। अभी ये मैरिनेट किया हुआ चिकन के ढापी करी साइड में थोड़ा रख देते हैं ताकि मसाला जो साना घाटा करे है ना सब अंदर तक भेदेगा, तो ज़्यादा स्वाद लगेगा पुराना हुआ चिकन। और अभी ये मैरिनेट किया गया चिकन में डालेंगे गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला
और ऐसा का ये सना घटा चिकन को ऐंता पत्थर खली के ऊपर दे देंगे बड़े प्यार से और बहुत इज्जत से। कितने सुंदर दिख रहा है देख सकते हो गाइस। तो ऐसा का ये आगुटे पत्थर जो बनाया था इसके ऊपर ढापी देते हैं ऐंता लॉक कर देते हैं। तो गाइस अंगरा को ऐंता समान करने के बाद ये चिकन को ऐंता पत्थर में बनाए है इटा के इतना ऊपर दे देते हैं। और अभी इतना ऊपर जन आग अंगरा और ज्वेलुठी मन जन था सबू के इतना ऊपर दे देते हैं जनता की भल कर इटा पूरी पाएगा तो बहुत स्वाद लगेगा। तो गाइस इस तरीके से ऐंता 10 से 15 मिनट तक पकने देते हैं। तो गाइस ये चिकन पकवार लगी 10 से 15 मिनट तक टाइम लग गया। तो अचान का जाके अलगाते हैं अचान का हो चुका है आग को ऊपर से पूरा अलगाते हैं। पूरा आराम से ही खार खुरी को अलगाना पड़ता है गाइस ये अंगरा आग को ताकि जन गुण गुणा होता है ये गुण मान अंदर घुस जाएगा तो चिकन खराब कर देगा इसीलिए आराम से अलगाना पड़ता है। ओ नो इतना प्यारा चिकन वाह क्या दिख रहा है भाई गजब पूरा वेरी टेस्टी नाइस वाह मुंह में तो पानी आ गया भाई वाह। तो गाइस देख सकते हो पूरा कितना पूरा स्टाइल से बना है जो हमारा ये पत्थर पूरा चिकन। तो अभी इसको बाहर करते हैं। वाह तो गाइस अचन का पूरा रेडी हो चुका है हमारा ये पत्थर चिकन पूड़ा पूरा सेंड भी गजब आ रहा है भाई काना कहूँगा इतने स्वाद लगेगा ना मैं तो भाभी भी नहीं पा रहा हूँ। तो टेस्ट करता हूँ कैंता लग रहा है जे तुम लोगों को बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहले मेरा ये थम्सअप से स्टार्ट करता हूँ। टेस्ट करता हूँ अभी ओहो क्या लग रहा है भाई पूरा झक्कास झंडा बोलते हैं पूरा इतना स्वाद ये जगह भी कितना अच्छा है और ये चिकन वाह मजा आ रहा है पूरा बहुत। गाइस इतना स्वाद लग रहा है ना काना बोलूंगा ये वीडियो जिन लोगों ने भी देख रहे हो ना अरे कहना क्या चाहते हो तुम लोग भी तुम्हारा जंगल में सॉरी तुम्हारा जंगल में नहीं तुम्हारा घर में बोने के लिए खाई कर देखो इतना स्वाद लग रहा है ना भाई पूरा पता चल जाएगा पूरा। हाय मजा हाँ। जिन लोग मैंने जंगल के जाकर इतना बनाकर खा पाओगे ना जगह का भी फीलिंग्स इतना मजा लगता है ना भाई पूरा मैं तो महसूस कर रहा हूँ पूरा झक्कास। इतनी खुशी मुझे आज तक ये लींबू ये जो वो लहसुन को गुटा गुटा डाले थे ना उसका टेस्ट भी झक्कास लगता है अभी खाकर बताता हूँ। वाह भाई पूरा इतना लग रहा है ना
और इसके साथ ना मेरा थम्स अप, एक नंबर पूरा झक्कास। गाइस ये जो ये पूरा पूरा वाला जिन हुआ है ना, इटा पूरा झक्कास लग रहा है, पूरा पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी। पूरा झक्कास लगा भाई, पूरा इतना स्वाद, पूरा पूरा कहना बोलूंगा, तुम लोग भी तुम्हारा घर में बोनेगरी खाई करता देखो। अरे हाँ भाई हाँ, झक्कास लग रहा है पूरा। तो हे गाइस, मोरिए पतर पूरा चिकन आप लोगों को कैंता लगला जे कमेंट कर कर बताना, और मोर वीडियो को लाइक शेयर और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब ठोकना। और क्या बोलूंगा, फिर अगली नए वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।